असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग सब आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का जो व्लाग है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है लास्ट व्लाग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं ईद मिलने तो ससुराल गई नहीं तो आज बस मैं जा रही हूँ वहाँ पर और आज जो है ना हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मतलब कि मेरी फैमिली और सारी फ़ैमिलीज़ जो भी आ रही थी सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आज सुबह क्या हुआ कि मुझे बाहर का कुछ काम था आ, तो मैं वहाँ चली गई थी फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं बच्चों को लेकर चले जाता हूँ और उनको कुछ शॉपिंग वगैरह करवा देंगे वो भी खुश हो जाएंगे उनका अच्छे से टाइम पास भी हो जाएगा बच्चों का तो बहुत दिन हो गए थे बच्चों ने इस तरह से ना मेरे हस्बैंड के साथ जाके शॉपिंग वगैरह की नहीं थी सिर्फ क्या होता है कि मंथ में ना एक दो बार मेरे हस्बैंड के साथ दोनों बच्चे जरूर जाते हैं और अपनी पसंद की जो भी चीज़ पसंद आती है वो लेते हैं तो हैं तो तो बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते आज मैंने सोचा आप उनको ले जाए मैं अपना काम कर लेती हूँ और फिर हमने ना ब्रंच कर लिया था घर पर ही क्योंकि रात में जब जाना था अम्मी के तो हमने कहा प्रॉपर डिनर कर लेंगे अच्छा ये जो है ना सैरा का ड्रेस है ड्रेसेस का क्या होता है ईद पे आ, के एक जो ड्रेस होता है ना सब बच्चों का एक एक आउटफिट जो है ना वो मेरी सास की तरफ से होता है मतलब अम्मी सबको गिफ्ट करती हैं तो ये जो है ना मेरी अम्मी की तरफ से था और मतलब मेरी सास की तरफ से तो उनको मैं अम्मी कहती हूँ तो ये जो है ना मैंने चूज़ किया था नेक्से और ये था अमीलिया का जो मैं पहले आप लोग को दिखा चुकी हूँ सैरा का जो है ना डिले हो गया था तो सेरा का लेट आया था बट टाइम पर आ गए कि एटलीस्ट मैं उसको आज पहना सकूं और जो अमीला का ड्रेस था उसकी मैचिंग एसेसरीज़ जो थी वो मैंने मानसून से ले ली थी तो माशाल्लाह से दोनों बच्चों के ड्रेसेस ना बहुत अच्छे लग रहे थे और ड्रेसेस में ये होता है कि जो मटेरियल होता है ना इनका मुझे बहुत सॉफ्ट से सॉफ्ट मटीरियल चाहिए होता है मैं भी ऐसी हूँ मतलब कि कभी मैं अपने लिए कपड़े लेने जाती हूँ ना तो मुझे मटेरियल बहुत सॉफ़्ट चाहिए होता है और फ़ोल वाला जो मटेरियल होता है ना वो चाहिए होता है अच्छा यहाँ पर हम लोग बस जा रहे हैं अब अम्मी के और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था ना आज मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी लेकिन धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी अच्छा धूप मुझे नहीं पसंद आप लोग को पता है लेकिन आज अच्छी लग रही थी इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा वेदर था अच्छा अम्मी आपने इसमें क्या क्या डाला है हाँ इसके अंदर मैंने ट्रॉपिकल जूस डाला है इसमें मैंने पाइनएप्पल डाले हैं और इसमें मिंट के स्लाइसेस डाले हैं और लेमन के और स्लाइसेस और मिंट डाली हैं और स्प्राइट डाले हैं और स्प्राइट डाले इसमें भी डाल सकते हैं बीच में आइस है हाँ बीच में आइस बहुत मजे का है बहुत अच्छा पिए जी तो माशाल्लाह 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 से आप लोग देख सकते हैं अम्मी ने कितने अच्छे से अहतमाम किया हुआ था हम सब के लिए और आप लोग यकीन करें अम्मी ने ये सब कुछ खुद किया था विदाउट कोई हेल्प और जना अम्मी बस जना बहुत दिल से किया था अम्मी ने माशाल्लाह से और हमेशा ही ऐसे करती हैं ऐसा ये नहीं है कि पहली बार मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना मुझे माशाल्लाह से बारह साल होने वाले हैं और मैंने शुरू से अम्मी को इसी तरह से देखा है और पता है मज़े की बात यह है कि मेरी अपनी अम्मी जो ज और मेरी जो सास है दोनों ही ना इसी तरह की जो है ना सेम क्वालिटीज़ रखती हैं और मैं इतना कोशिश करती हूँ कि बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनकी जो क्वालिटीज़ है ना कुछ मुझ में भी आ जाएँ तो बस उन जैसा मुझे नहीं लगता कि हम इतने मेहनती हो सकते हैं लेकिन जैना अलहमदिल्लाहद माशा से बहुत ही मज़ा आया आज एक एक चीज़ इतनी अमेजिंग थी इतनी ज़बरदस्त थी तो यहाँ पर हमने अपना जो है डिनर कर लिया था जैसे ही हम लोग आए सब कुछ तो रेडी था अच्छा यहाँ पर जो है ना ये मैक की लिपस्टिक है इसका नाम है वेलवेट well टेडी और ये जो शेड है ना ये मेरा एवर फेवरेट शेड है मतलब कि हमेशा मेरे बैग में रहता है वैसे तो मैं इतना मेकअप नहीं करती इतना क्या मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती लेकिन जब कभी मुझे कुछ दिल करता है लिपस्टिक लगाने का या कुछ शेड लगाने का लिपस्टिक तो लगा ही लेता है इंसान मैं बहुत लाइट सी लगाती हूँ तो ये जो वेलवेट है ना ये हमेशा मेरे पास रहती है और बस मैं ज़्यादातर यही लिपस्टिक लगाती हूँ और मैं इतना कुछ भी नहीं करती या कभी मेरा दिल करता है ना पिंक की शेड में जाने का तो मैं हल्का सा पिंक टिंट लगा लेती हूँ दैट्स इट और ये जो ड्रेस है ये मेरी सास ने मुझे दिया था ये थोड़ा सा लूज़ था लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा था मतलब ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वेदर के लिहाज से तो बिल्कुल परफेक्ट था अच्छा यहाँ पर आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है खैर इतना तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन एक साइड से थोड़ी ख़राब हो रही है तो दिखाने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तो किसी की स्किन अच्छी हो तो वो हमेशा ही अच्छी रहे हमारी एज ए वुमेन हुमल चेंजेस आती हैं बॉडी में बहुत सारे रीजंस होते हैं आपकी स्किन जो है वो ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे चलती रहती है तो अगर तो आप लोग की स्किन ख़राब हो जाती है तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ उस पर वर्क करें उसका ख्याल रखें इन बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर से तो यहाँ पर और लोग खाना खा रहे थे और बस हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे बच्चे जो हैं वो उनके लिए तो ईद थी वाकई में ईद तो थी ही लेकिन उनके लिए डबल ईद थी क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और गार्डन खुला हुआ था तो बस वो लोग सब बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और फिर मैं यहाँ पर खा रही थी सवैया अम्मी ना ये सवैयाँ बनाती हैं इसमें बहुत सारा कलकन डालती हैं और ये इतने मजे की बनती है ना तो बच्चों के लिए अम्मी ने जो है ना डिज़र्ट्स बना दिए थे फेड़ रोशे के और जेली के और हम बड़ों के लिए डिज़र्ट जो है था वो सवैयाँ थी अच्छा यहाँ पर जो है ना एज़ यूजल आप लोगों को पता है कि मेरी जो सास हैं अम्मी वो किस तरह की हैं दावत के बाद वो सबके बॉक्सेस बनाती हैं ताकि सब जो है खाना अपने घरों को लेके जाएं। माशाल्लाह से अल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत देता है उनके रिस्क में कि वो सब को मतलब ईच एंड एवरी फ़ैमिली को ना वो बॉक्स बनाकर देती हैं तो बस यहाँ पर यही हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर जाने का टाइम हो गया था सब जा रहे थे घर और हम भी जा रहे थे घर अच्छा घर जाके ना आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था आज मेरी अमिलिया का फर्स्ट होमवर्क मिला था तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करने के लिए और अमीलिया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ भी करने के पहले मैं क्या करती हूँ सबसे पहले तो जो अम्मी ने खाना दिया ना वो रख लेती हूँ मुझे लगता है दो दिन की तो मेरी छुट्टी हो जाएगी लेकिन दो दिन तो मैं नहीं चलाऊँगी ये खाना इन अगर कुछ मैं नहीं खाऊँगी हम लोग नहीं खाएँगे तो मैं फ्रीज कर लूँगी ऐसे ही होता है माशा से अम्मी का एक तो हाथ में इतना टेस्ट है ना मैं आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देती है और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज तो मज़ा ही आ गया मतलब बहुत मज़ा आया कि मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है अच्छा यहाँ पर मैं खाना रख रही थी और उसके बाद जो है ना मुझे सैरा को और अमीलिया को करना था क्राफ्ट इतने मज़े का क्राफ्ट था ना अच्छा यहाँ पर क्या होता है सैरा की तरफ भी हुआ था जब सैरा नर्सरी में होती थी कि नर्सरी में ना एग्स आते हैं और बच्चों के सामने ही ना पूरा साइकिल वो लोग उनको शो करते हैं और जो है ना एग्स जो है ना वो हैच होते हैं तो इस बार जो है ना नर्सरी में आए थे अमीलिया के डकलिंग्स के एग्स और फिर डकलिंग्स को आना था और उसी का क्राफ्ट अमीलिया को बनाना था तो अब बच्चे तो इतने छोटे होते हैं वो थोड़ी क्राफ्ट बनाते हैं हम लोग ही हेल्प करते हैं तो यहाँ पर जो इन लोग का रूम है ना वो इतना ज़्यादा मैस हो रहा था और बहुत रात हो चुकी थी क्योंकि कल जो है ना नेक्स्ट डे स्कूल जाना था बच्चों को तो क्राफ़्ट भी ज़रूरी था सोना भी ज़रूरी था तो मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी कि किस तरह जल्दी से क्राफ्ट बन जाए बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया माशाल्लाह से मैस करने में भी और क्राफ्ट बनाने में भी स्पेशली सैरा ने और अमीलिया तो बस अपनी कटिंग की जा रही थी तो माशाल्लाह से यहाँ पर इतना क्यूट सा बना है क्राफ्ट और मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी जो ना चीज़ें करने में बच्चों के साथ और जब बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है तो यहाँ पर यह मीले का क्राफ्ट बन गया था माशाल्लाह से बहुत ही कोई क्यूट लग रहा था अच्छा बच्चों ने इतना ज़्यादा मेस कर दिया था ना मैं तो क्राफ्ट बना ही रही थी लेकिन बच्चे जो ना इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे रूम में आप लोग रूम की इस वक्त हालत देखें तो बस इस वक्त रात के दस बज गए थे और मेरे बच्चों का जो सोने का टाइम है ना वो एट फोटी फाइव है तो मैं बस जल्दी से अब मुझे क्लीन करना था अब आ गए थे मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जल्दी से मेरे साथ पूरा रूम क्लीन करवाया तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस इन मिलूंगी मैं नेक्स्ट लॉग में मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा हाफ़िज